जो भी है बढ़ जा तू गली रमैया। ये आप दोनों बड़े याद करी थी आपको। मजा आए। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकी रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज भी हम लोग जा रहे हैं मोस्ट मानो मंदिर में, और आज जो है पांचवा दिन है ना दी, आज जो है पांचवा दिन है और लक्ष्मी दी के साथ जा रही हूँ। लक्ष्मी दी चला रही है स्कूटी और मैं पीछे से बैठ करके कर रही हूँ ब्लॉगिंग। और कल जो है मोस्ट मानो में लास्ट दिन है 11 तारीख को, और फिर जो है थोड़ी सुनसानी हो जाएगी, तो हमने कहा आज भी जाते हैं और देख करके आते हैं प्रोग्राम, क्योंकि कई लोग गायक जो है हमारे बीच आने वाले हैं। और मुझे तो लग रहा है शायद हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में भी देखा होगा, एक मैंने उनका भी डाला था श्री कैलाश कुमार जी का, उनकी आवाज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी। और उन्होंने वहाँ जब सावन महोत्सव चल रहा था हम लोगों का, तो कैफे में उन्होंने कान्हा का और भोले का भजन भी गाया था, तो मैं जा रही हूँ उन्हीं का गाना सुनने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग लेट हो गए हैं, देखते हैं क्या होगा, वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल तो आप मेरे व्लॉग में जुड़े रहना, और फिर मैं दिखाऊंगी कि वहाँ अंदर चल के रहा है मोस्ट मानो मंदिर में, और आज भी बच्चों के कार्यक्रम होने वाले हैं वहाँ। और वैसे आज तो मेरा नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या मूड बनता है। और आज मैं घूमने के पर्पज़ से आई हूँ, क्योंकि रोज़ प्रोग्राम के चक्कर में ना मैं मेले को इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेले को इन्जॉय करने के लिए आ गए हैं। लक्ष्मी दी, मैं और पीछे से दीप्ति और पार्वती दी भी आ रहे हैं, और दीप्ति के जरा कस्टमर आ गए थे तो हम लोग आ गए, दीप्ति भी आने वाली है। तो चलिए फिर मेरे ब्लॉग में जुड़े रहना। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छा अच्छा सा मौसम है, ठंडा ठंडा सा। वैसे भी अब सारे दिन का आगमन हो गया है और ठंड बढ़ने लग गई है, इस साल तो बर्फ़ भी पड़ी, अब इस साल पड़ेगी। और यहाँ पर जो है बच्चे तैयार हो रखे हैं, हो गया प्रोग्राम, इस हॉल अलंकरण का आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। भंडारी जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें सर। कृष्णा मंदिर चलिए सर, बहुत बहुत आभार है और आपसे देते हैं। और मैं कह रहा था हमारे नगर पालिका परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र दौड़ जी चलेंगे। और कई लोग इस भीड़ में आए हैं, हम स्वागत करते हैं सबका। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर व्यंजन सजा दिए जाए, व्यंजन सजा दिए जाए, और पांडे जी कैच मसाले के हमारे दीप पांडे जी, आपकी धर्मपत्नी, आपको रहना की भूमिका में रहना है, स्वागत है आपका। और दोनों जी से। और दोस्तों, यहाँ पर चल रही है पहाड़ी व्यंजन प्रतियोगिता, तो महिलाएं जो हैं अपने घरों से पहाड़ी व्यंजन बना करके लाई हैं, देखते हैं कौन कितना टेस्टी बना करके लाया है। और इस भोजन में क्या क्या है जो हमारे वहाँ बड़े बनते हैं, बड़े हो गए, भरवा रोटी हो गई, प्लियो जिसको बोलते हैं ना, झोई, पलियो, पलियो भी बोलते हैं, तो झोई, भात, चने की दाल, राजमा और रायता और सेल, और इसमें जो है चीला, चीला भी बना है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये तो खैर चावल है, और देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत मन हो रहा है खाने का। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये जज लोगों के लिए है जो अतिथि है वहाँ, क्योंकि वो लोग टेस्ट करके बताएंगे कि किसका खाना ज़्यादा अच्छा बना है। और आप देख सकते हैं यह है पहाड़ी ककड़ी, हाँ ककड़ी तो नमक के साथ खाने का पहाड़ी का खाना बना करके लाए हैं, रायता और भात नहीं, और ये झोली है, अच्छा झोली, अच्छा फलियो, फलियो ये चने की सब्जी है, और वो पहाड़ी ककड़ी ना पनीर वो है, और व्यंजन प्रतियोगिता जिन्होंने आयोजित किए हैं इनका हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे श्री राहुल शाह जी रंगोली इंटीरियर डेकोरेशन और स्वागत टूर एंड ट्रेवल्स नियर एचएलई पुलिया सागर भाई आए थे, सागर जी आ जाइए इधर अभी।
चलो बहुत सुंदर बना के लाई हूँ, आप टेस्ट करेंगे? हाँ जी जी भागा ग्रुप। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी पायल हो चुकी है रेडी, कैसा लग रहा पायल? नर्वस तो नहीं हो रहे हो? बहुत अच्छा, नहीं होती हो नॉर्मल नहीं होती होगी ना? मैं तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ। यहाँ पर फोटोज खिंचा रही है, बैठ के भी खींच ले, और दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का लगा, इनका गेटअप और इनकी जो एंट्री थी फूल दही छम्मा दही वाला जो गीत है चला फुलारी फूला को, उससे हुई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर से बहुत बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ भी किया गया था, तो मैंने आवाज़ तो म्यूट कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं दो लाइन उस गाने की सुनाना चाहूँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो गाना। चला फुलारी फूले को सौदा सौदा फूले बीरोला, भरो का झूठा फूले ना तोड़िया, मोरो का झूठा फूले ना लाया। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तर मुझे प्यार बना प्रणाम और आभार मुझसे मानू बिना कमेटी उसे इन्हें मंत्री मुझे अंजलि ठहरे आज बाबा मुस्कान कृपाल आज भी रोजी रोजी लेके गए मेरे चलती। तो मैं सबसे पहली पूरी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर लूँ, साथ में हमारे जनार्दन वल्लिया जी, जनार्दन उपेदी जी वल्लिया जी और हमारे अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी हमारे भगवान कृष्ण जी और सबसे ज्यादा आभार हमारे वीरेंद्र बुरादा जी जब उनके इतने सुंदर आयोजन कर रहे हैं। और मैं अपने प्रणाम कर सो आज अतिथि आदरणीय मेहरा जी पुनर्नगर अधिकारी जी जो है सरपंच को प्रणाम कर और हमारे जिला पंचायत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपिका गौरव मैम प्रणाम। तो आओ जब देर में करना एक ईद जैसी पर तो चलते कि छः तारीख मिडे लिबेरी ग्यारह तारीख तक पोस्टे मार्ग डाल से एक गीत बने रहते हैं। मैं सोचे फर्स्ट दिन वो गा लो मगर मेरे फर्स्ट दिन दुशान का कार्यक्रम था, पहली छह दिन हम इन रुक गया मगर अब थाल बहुत इच्छा उसके लिए बुलो नाम और ये ई मंच की देन है। एक बार ये मंच की जोरदार ताली बजा दिया आप सब लोग। अब ये गीत मूल रूप में हमारे आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी जो ये दुनिया में नाथिन उन्होंने गीत है मगर मैं जो हमारे मुस्लमानों मेल में बने रहे उनले यो कह रहे थे भगवान मेला भर में मैं मुस्लमानों मेला भर में कूद आवाज हुए मेरे आप लोग उत्तर ध्यान है सुने हाँ एक जो यहाँ एक आवाज है एक आदिम अभंदार वो जो दिल्ली सन देश प्रदेश सन उत्थे घूम रहे हो की घूम रहे हो अरे फौजी चंदरा मेरे आय हाय फौजी चंदरा मेरे दाजू चंदरा दुई दिन छुट्टी घर आया के मुस्तमानू म्याला देखूला छुट्टी घर आया I don't mind.
जिसको किसी ने उजागर किया है तो वो है भूपेंद्र सिंह बेहरा जी। 2009 से लगातार आज 16 साल है इसे। मैं शिवराज सिंह पटनाल जी उपाध्यक्ष हूँ रामनगर मंडी के बचपन में। मेरा निवेदन है धीरेन्द्र सिंह बेहरा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, भाभी जी का स्वागत और सम्मान करेंगे अलंकरण से। और ये हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह बेहरा जी अपनी गरिमा में उपस्थित साथ आए, और अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे मानो शिवराज सिंह अधिकारी जी आपकी उपस्थिति रही, भाभी जी की उपस्थिति रही, छोटी छोटी प्रणाम करते हैं। और मैं भूपेंद्र बेहरा जी से चाहूँगा सौभाग्य को लेकर स्वागत और सम्मान करूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, अभी 90 साल के करीब उम्र होने जा रही है। हाँ, वीरेंद्र सिंह बेहरा जी को आपने पढ़ाई दी है, आपके शिष्य आज उस ऊंचाई में पहुंच गए हैं। फिर तालियां, तालियां। 94 साल की उम्र है, अस्वस्थता के बावजूद भी आशीर्वाद दे रहे यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूंगा वीरेंद्र सिंह हमारे मल्ला भाषण के मेरा जी हमारे बड़े भाषण अलंकरण कर और कमेटी के अध्यक्ष भगवान विष्णु जी स्वागत और सम्मान करेंगे। भाषण की उपस्थिति का हम आभार प्रकट करते हैं, आपने इसने प्यार और आशीर्वाद दिया, और मानो आशीर्वाद स्वरूप कहना चाह रहे हैं कि दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। और एक एक मोमेंट पहले हम आपके सम्मान में एक छोटी सी यादगार भेंट है नेशनल मानव मेले समिति की ओर से, और इन फूलों के गुलदस्ते की तरह आप भी खिलते रहे, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, यही कामना हम करते हैं, और आपका जीवन भी कृष्ण जैसा बन जाए ये कामना है हमारी। क्या बात है, बहुत बहुत आभार है मानो, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 94 साल की उम्र में देखिए इतना जोश है, इतना आशीर्वाद, 94 साल के नौजवान है ये, एक बार जोरदार तालियां हमारे नौजवान के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं आप सबकी उपस्थिति को। ठीक है, तो चलिए अब बारी है व्यंजन प्रतियोगिता के परिणामों की। हमारी माताएं बहने बहुत जो भी है बढ़ जा, तू गली रमेला, तू गली रमेला, तमी हमी संग बैठी घर बार चलिए। जगदीश कुमार बचपन, जगदीश कुमार जोड़ीदार वो भी तो अच्छा गा रहे लाखों को मारे मैंने के ये आप दोनों बता बता ये
करी थी आपको। मजे आए ना ना नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी पायल बहुत परेशान हो गई है, लाइट ही चली गई। क्या कह रहे हैं जनरेटर चलाएं जी? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो है बच्ची काफी नाराज हो गई है क्योंकि इसके लिए हिमुली वाला गाना नहीं बजा और साउंड जो है बंद हो गया है क्योंकि प्रोग्राम जो है खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों करते हैं व्लॉग यहीं पर एंड। और मौसम जो है काफी खराब होने लग गया तो हम लोग टाइम से निकलते हैं, प्रोग्राम भी हो गया है खत्म। हम तो वेट कर रहे थे कि सर एक गाना और गाएंगे कैलाश कुमार जी, लेकिन क्या करें करने वाली थी लाइट ही चली गई। आज नहीं अब कल करूंगी। लाइट क्या चली गई मेरे को पता था, शाम का ऐसे ड्रामा हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और आप सारे कल के दिन ये काम कर।